असलामुअलैकुम गाइस, नदर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेल सैफ अल मलूक के बारे में। जेल सैफ अल मलूक पर भी जाएंगे, आपको साथ में रोड की कंडीशन भी बताएंगे कि रोड कैसा है, और जेल सैफ अल मलूक पर जाकर वहां पर आपको जेल सैफ अल मलूक का नज़ारा भी कराएंगे, और साथ में आपको अपडेट देंगे कि आपकी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है, वहाँ से आपको आगे कौन सी गाड़ी लेकर जानी चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नारान रोड से जेल सैफ अल मलूक तक और वहाँ से नारान तक वापसी का टोटल कितना रेंट लेते हैं जीप वाले। तो मुकम्मल अपडेट देंगे आज की वीडियो में आपको, तो बनिए रहिए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नारान से जेल सैफ अल मलूक का जो टोटल सफ़र है वो है 13 किलोमीटर, और वहाँ तक आपकी गाड़ी है वो उसका जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ से ऊपर 4x4 गाड़ी जाती है, तो ये छोटी गाड़ियों को जाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे जो रोड हैं इनका सफ़र 4x4 गाड़ी ज़्यादातर जीपें करती हैं, जो कि यहाँ पर आपको नारान पुल की बैक साइड पर आपको उनका अड्डा मिल जाएगा, वहाँ से आप किसी भी जीप को बुक कर सकते हैं, वो आपको लेकर भी जाएगी और यहाँ वहाँ से वापस भी लेकर आएगी। तो रेंट की बात की जाए तो यहाँ से जेल सैफ अल मलूक का आने जाने का जो रेंट है मेरे ख्याल से 4000 रुपये आपको वहाँ तक लेकर भी जाएगी, और वहाँ पर आपका वेट भी करेगी, और फिर आपको वापस नारान के मुकाम पर लेकर आएगी। और कुछ लोग जो नए आए होते हैं वो सबसे पहले रोड की कंडीशन देखते हैं, शुरू में से जो रोड है वो काफ़ी ठीक है वहाँ से, तो उनको लगता है कि हमारी गाड़ी यहाँ से जेल सैफ अल मलूक तक जा पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी गाड़ी यहाँ से ऊपर 2 किलोमीटर का सफ़र है वो तय कर लेगी, लेकिन वहाँ से आगे आपकी गाड़ी का जाना मुश्किल है, और यहाँ से ऊपर एक्सपर्ट ड्राइवर का भी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो जीपों के ड्राइवर हैं इन्हें काफ़ी तजर्बा हुआ होता है, आप इन पर एतमाद कर सकते हैं और अपने सफ़र इन जीपों पर कर सकते हैं। और हर गज आप अपनी गाड़ी, कोई भी 4x4 गाड़ी हो, अगर आप एक्सपायर्ड ड्राइवर नहीं है तो आपको वहाँ से ऊपर लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेल सैफ अल मलूक के रोड की बात की जाए तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसा रोड है जेल सैफ अल मलूक का, तो आपको अंदाज़ा हो गया ही होगा कि काफ़ी मुश्किल रोड है, यहाँ से ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल है, तो आप इन 4x4 गाड़ी पर अपने सफ़र को कर सकते हैं। और अगर जेल सैफ अल मलूक पर पैदल जाने की बात की जाए तो आप 2-2 घंटों में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप जेल सैफ अल मलूक का नज़ारा भी चेक कर सकते हैं कि अभी रात को थोड़ी बारिश हुई थी, तो यहाँ पर ये काफ़ी ऊंची जगह है, तो ऊंची जगह ये 13 किलोमीटर ऊंची है, तो यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है तो आप देख सकते हैं, साथ में पहाड़ों में काफ़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई है, और काफ़ी अच्छा मौसम है इन्जॉय करने का। और यहाँ पर आपको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर बोट मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की एंजॉय करने की अशिया मिल जाएगी, जिससे आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं अपने सफ़र को। और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए यहाँ पर कैफ़े होटल वग़ैरह मिल जाएंगे, जिस पर आपको हर किस्म की चीज़ खाने की अवेलेबल मिल जाएगी। ये
जो आपको जगह नजर आ रही है ये दरअसल जीपों का अड्डा है। यहाँ पर जीपें आकर स्टॉक होती हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो अगर आपने MR ट्रैवलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।